मैं शैलेंद्र कुमार झा आचार्य सरस्वती विद्या मंदिर भगवत सेना बेतिया क्लास टेन सब्जेक्ट मैथ्स इसके पहले हम लोग सिमिलरिटी ऑफ ट्रेंगल्स के बारे में पढ़े उसमें बहुत थ्योरम भी पढ़े और एक्सरसाइज भी बनाए अब हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम इसे बोधायन थ्योरम भी बोलते हैं अपने भारतीय गणितज्ञ ने बहुत पहले पैथागोरस से बहुत पहले इस थ्योरम को दिए थे जिसको बोधायन थ्योरम भी हम लोग बोलते हैं इसी का स्टेटमेंट है पैथोगोरस थ्योरम का स्टेटमेंट स्टेटमेंट है इन ए राइट एंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू इसको हिंदी में से समझिए त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है अर्थात इन ए राइट इंगल टू द सम ऑफ द स्क्वायर अदर टू साइड्स लेट ए बी सी इज ए राइट एंगल एंगल राइट एंगल एट बी तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट द अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनियस ए सी इज हाइपोटेनियस ए सी स्क्वायर इज कल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यानी जो हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर जो है ये अदर टू साइड्स के सम स्क्वायर का सम होगा हम लोग कंस्ट्रक्शन इसमें कुछ करेंगे तो ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी अब प्रूफ लेना है प्रूफ करना है तो प्रूफ में इन ट्रेंगिल ए सी, बी सी एंड ट्रेंगिल बी सी डी ले लिए नाम अभी बी सी डी लिए तो अब देखना क्या है इस दोनों ट्रेंगिल में कॉमन एंगल क्या है तो सी जो है पूरा ए बी सी और बी सी डी में भी सी कॉमन है तो कॉमन एंगल हो गया और दूसरा देखिए एबीसी राइट एंगल है और इसमें बी डी सी राइट एंगल है तो दो एंगल इक्वल हो गया तो इसलिए थर्ड एंगल ऑलरेडी इक्वल होगा तो यह ट्रेंगिल सिमिलर होगा तो ए सिमिलरिटी से सिमिलर हो जाएगा यानी ट्रेंगिल ए बी सी सिमिलर टू ट्रेंगिल बी डी सी तो साइड प्रोपोर्शनल बी तो सी बाई सी डी बी सी बाई सी डी आप ध्यान देंगे और स्कल टू ए सी बाई बी सी आपने बी सी लिया ध्यान दीजिएगा बी सी ये एंगल इस एंगल के अपोजिट बी सी और ये इसके इक्वल है इस एंगल के इक्वल है तो इसलिए सी डी तो ये इस तरह से बी सी स्क्वायर स्कल टू ए सी सी डी हो गया इक्वेशन वन मान लेते हैं फिर अगेन एंगल ए बी सी और ए बी डी में ले लेते हैं एंगल ए दोनों में कॉमन है ए बी सी राइट एंगल है और ए डी सी भी राइट एंगल है ए डी बी ए डी बी भी राइट एंगल है तो ये दोनों एंगल तो दो एंगल इक्वल है थर्ड एंगल इक्वल होगा ही इसलिए ये एंगल सिमिलर होगा और इसका साइड प्रोपोर्शनल होगा तो ए बी ध्यान दीजिए इसके सामने ए बी और इसके सामने ए डी तो इस एंगल के सामने साइड ये अपोजिट ए बी और ये चूंकि ये दोनों ये कॉमन है और ये नाइनटीन है तो यही रिमेनिंग एंगल है तो ये इसके इक्वल होगा ए बी बाई ए डी कल टू ए सी बाई ए बी और इसको ध्यान देंगे कि अब क्या हो जाएगा ये ए बी स्क्वायर इजकअल टू ए डी इंटू ए सी तो ए बी स्क्वायर टू ए डी इंटू ए सी एडिंग वन और टू को एड करते हैं तो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इजकल टू ए सी इंटू सी डी प्लस ए सी इंटू ए डी ए सी कॉमन तो सी डी प्लस ए डी इजकल टू सी डी प्लस ए डी इजकअल टू ए सी देन बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इजकल टू ए सी स्क्वायर और इसको मैंने और मैं इसको फिर सुधार के इसको लिखे फिर तो हमेशा ही लिख सकते हैं इसको ए सी स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यह प्रोटियर पायता हुआ रस्तोरम है और इसके ऊपर हम लोग सवाल बनाएंगे ऐसे इसका एक कन्वर्स भी है इसका कन्वर्स है क्या उल्टा इसके पहले हम लोगों ने देखा था क्या कि अगर हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है अदर टू साइड्स के इक्वल होता है जब वो किस में तो राइट एंगल ट्रेंगल में अब कहता है इन ए इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ़ द अदर टू साइड्स देन द एंगल अपोजिट द फर्स्ट साइड इज ए राइट एंगल ऐसा भी कहा जाता है जो यानी इन ए ट्रेंगिल इफ़ द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटर साइड

एक अलग से ट्रेंगिल बना लेते हैं और वह राइट एंगल ट्रेंगल बनाते हैं पी क्यू आर जिसका एंगल क्यू जो है वह 90 डिग्री है और इस प्रकार का इस कंस्ट्रक्शन करते हैं कि एंड एंगल क्यू आर, ट्रेंगिल ट्रेंगिल है, 90 डिग्री प्रूफ है, है तो थ्योरम पी आर स्क्वायर इजकल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इसको इक्वेशन वन मान लीजिए बाय कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन हम लोग किए हुए क्या पी क्यू इजकअल टू ए बी क्यू आर इजकअल टू बी सी अगर इसमें हम लोग रखते हैं तो पी आर स्क्वायर इजकअल टू हो जाएगा ए पी क्यू के बदले ए बी और क्यू आर के बदले बी सी और पी आर स्कल टू ए सी क्योंकि दिया हुआ गिवन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर स्क्वायर ये दो इज टू ए सी स्क्वासी नॉ इंटर एंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर आप देख रहे हैं कि ये साइड ए बी स्कल टू पी क्यू है बी सी एचकल टू क्यू आर है ए सी एचकल टू पी आर है तो इसलिए कंग्रवेंट होगा बाय एस एस से तो कंग्रवेंट होगा तो एंगल बी एजल टू क्यू होगा सी पी सी टी अब क्यू का वैल्यू 90 है तो इसलिए बीज कल टू क्यू क्यू इचकल टू हेंस ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रेंगल राइट एंगल एट बी प्रूव राइट इसको लिखना है राइट ऑन योर होमवर्क कॉपी पर तो लिख लेना है